तो आज मैं पापा को लेके जा रहा हूँ इस सिटी की। दोपहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता और पापा को शायद प्रॉब्लम होती, इसलिए मैं सुबह जा रहा हूँ। बैठे हैं पापा जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और आप सबकी दुआओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम पहुंच गए हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टर जो है वो अभी नहीं आए हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं और पापा आराम कर रहे हैं। अभी मैं आ गया हूँ घर, और जैसा कि आपने देखा कि आज मैं पापा को ले गया था सुबह सुबह स्टिचेस की बात नहीं है, इंशाल्लाह दो दिन के बाद से डॉक्टर ने बोला कि आप उन्हें शावर भी दे सकते हैं। और बस कुछ नहीं, बस ध्यान रखना है पापा को थोड़ा सा अपने मोमेंट का, बहुत जल्दी झटके में कोई चीज़ ना हो, बहुत स्लोली स्लोली सारी चीज़ें करनी है और एक्सरसाइजेस करनी है स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए। वो थोड़ा पापा कभी कभी आनाकानी करते हैं, तो उनको अब वो मतलब ज़बरदस्ती थोड़ा सा उनको करवाना पड़ेगा, पुश करके कि नहीं करना है आपको करना है। डॉक्टर ने स्पेशली बोला है कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पापा के लिए, तो वो करवानी है। बस अभी मैं पापा की तबीयत कब खराब हो जाती है कोई नहीं जान सकता, और शेब इब्राहिम पापा को लेकर काफी केयरफुल रहते हैं। हर वक्त उनके पास देव को छोड़ के रखा हुआ है, कोई ना कोई उनकी देखभाल करता रहता है। कुछ सालों पहले पापा को स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से वो काफी वीक हैं। वे पापा को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि दीपिका भी पूरा साथ देती है। पूरी फैमिली पापा का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। पापा ये सब देख कर बहुत खुश होते हैं, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। और पापा ठीक भी हो रहे हैं धीरे धीरे। शेब ने पापा का ऐसा ख्याल रखा जिसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। डॉक्टर इलाज करते हैं और दुआएं अल्लाह कबूल करता है, लेकिन परिवार का भी काफी सपोर्ट रहता है। घर वाले पापा की खिदमत करते हैं तो पापा इमोशनल हो जाते हैं। काफी लोगों ने ट्रॉल भी किया था शेब दीपिका को कि शेब दीपिका पापा का इलाज तो करा रहे लेकिन दिखावा ज्यादा कर रहे। तो आप जरा सोचे, कोई बच्चे अपने माँ बाप का इलाज कराते, उनकी देखभाल करते हैं, तो क्या वो दिखावा होता है? कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि ये सब पैसा कमाने की ट्रिक है। ना जाने लोग क्या क्या कह जाते हैं, जिसे सुनकर दिल को बहुत दुख होता है। जब पापा को स्टॉक आया था उस वक्त क्या बीत रही थी घर वालों पर, लेकिन लोग बातें सुनाने से पास नहीं आ रहे थे। ना जाने कैसे कैसे कमेंट कर रहे थे। बच्चों के ऊपर एक माँ बाप का साया कितनी बड़ी बात होती है, ये वही जान सकते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। कहते हैं माँ बाप के कदमों में जन्नत होती है, ये बात हकीकत है। आज अगर हम अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तो कल को हमारे बच्चे हमारी खिदमत करेंगे। और आपके क्या कहना है इस बारे में, क्या आपको भी दिखावा लगता है शेब इब्राहिम और दीपिका और पूरे परिवार का? तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। आपसे जान चाहते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।